जब प्रपोज किया था तो बहुत मेहनत करके किया था कि, बट मुझे अच्छा भी लग रहा था कि फाइनली वो बर्डन मेरे सीने से निकल गया कि फाइनली मैंने कम से कम प्रपोज तो कर दिया, मुझे रिजेक्ट कर दिया यार। शौर्य और अनोखी की कहानी एक्टर करणवीर शर्मा शेयर्स ऑल हिज इमोशंस विद टेल रिपोर्टर इन एक्सक्लूसिव सेगमेंट फर्स्ट इन फर्स्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। योर फर्स्ट लव प्रपोजल? फर्स्ट लव प्रपोजल तो स्कूल में था यार। आई फेल फॉर दिस गर्ल। मुझे 2 साल लगे उसको बताने के लिए, तब तक उसकी मतलब ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन होने वाली थी, मतलब हम सबकी होने वाली थी, लेकिन मुझे लग रहा था सिर्फ वो ग्रेजुएट होने वाली है, मैं वहीं अटका हुआ था 6th स्टैंडर्ड में। तो जब प्रपोज किया था तो बहुत मेहनत करके किया था कि बॉस आज मैं प्रपोज करने जाने वाला हूँ। मंदिर वंदिर गया, पेरेंट्स को भी बताया कि ऐसा है, बोले कि डोंट वरी इट्स ओके बट बी रेडी फॉर रिजेक्शन, और वही हुआ। तो आई वॉज रियली हार्ट ब्रोकन, बट मुझे अच्छा भी लग रहा था कि फाइनली वो बर्डन मेरे सीने से निकल गया कि फाइनली मैंने कम से कम प्रपोज तो कर दिया। अभी रिजेक्शन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो आई वॉज मोर हैप्पी दैट आई हैड प्रपोज। तो दैट वॉज माई फर्स्ट वेरी वियर्ड मोमेंट। योर फर्स्ट हार्ट ब्रेक? वही हार्ट ब्रेक था। बाद में फिर 2-3 दिन बाद रियलाइज हुआ, जब मेरी खुशी प्रपोजल की ख़त्म हुई तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे रिजेक्ट कर दिया यार, कुछ करना पड़ेगा मुझे। एक्चुअली इस बात के लिए बुरा लगा था, आई मीन अगर आप रिजेक्ट करते थे इतना नहीं बुरा लगा था, कि उस टाइम मैं स्कूल में मैं थोड़ा मोटा होता था, मैं चबी होता था, तो उसने अपनी फ्रेंड को आके बोला था कि नहीं आई इज़ अ लिटिल चबी या, तो इस वजह से यू नो, तो वो मुझे थोड़ा आई थिंक पर्सनली थोड़ा बुरा लगा था कि यार। फिर मैं बोला था डोंट वरी यार, एक दिन मैं हीरो बन के दिखाऊंगा, एब्स होंगे मेरे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। योर फर्स्ट मोमेंट ऑफ अचीवमेंट? मैंने 50 रुपये कमाए थे, मेरी पहली कमाई थी, कोई ऐसे किसी की मदद की थी मैंने, एंड या आई थिंक वो मैंने अपनी माँ के हाथ में जाके दे दिया था। अभी भी मैं वही करता हूँ, जो भी मैं कमाता हूँ मॉम को कमीशन जाते ही जाता है। योर फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश? वाह यार, माधुरी दीक्षित डेफिनेटली सिंस द लॉन्गेस्ट टाइम, एंड देयर सो मेनी, माधुरी दीक्षित हैं, फिर प्रियंका चोपड़ा। फर्स्ट पब्लिक फाइट? पब्लिक में मुझे इतना नहीं लगता कि मुझे कोई फाइट वाइट की है। एक बार मैंने किसी को मदद करने के लिए बीच में मैं घुस गया था, तो बहुत मार पड़ी थी मुझे। तो पब्लिक फाइट वैसे थी, बट आई थिंक आई डिड द राइट थिंग टू सेव अ गर्ल, आई थिंक दैट्स लाइक एनी गाय वुड डू इट, सो व्हाई नॉट। फर्स्ट मूवी विच चेंज्ड योर परसेप्शन? परसेप्शन मेनी फिल्म्स यार, अभी हाल ही में वन ऑफ माई, आई कैन से द फर्स्ट वन विच चेंज माई परसेप्शन, आई रियली लाइक द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। विल स्मिथ की एक पिक्चर है, उसका बेटा उसका सन बना हुआ है, आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल फिल्म्स। इट जस्ट मेक्स यू नेवर गिव अप एटीट्यूड वाली जो फिल्में होती है ना, जैसे रॉकी हो गई, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस हो गई, मुझे ऐसी किस्म की पिक्चरें बहुत पसंद है। लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, मैंने चंदन सिंह टॉकीज में देखी थी, अभी फिलहाल वो रहा नहीं, सो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। तो दैट वॉज माई फर्स्ट स्टिंट विद सिनेमा, और वहाँ से मैंने आई थिंक सिनेमा इन जनरल उसको सीरियसली लेना चालू कर दिया, जब मैंने लाइफ इज़ ब्यूटिफुल देखी थी, सिनेमा पैराडीज देखी थी, बाइसिकल थीफ देखी थी, तो ये सारी पिक्चरें जब मैंने चंदन में देखी थी, जो इट वॉज अ एक्सपीरियंस, ये सारी फिल्में। फर्स्ट टाइम यू फेल्ट चीटेड? आई डोंट रिमेंबर यार, मैं इतना दिल पे नहीं लेता, तो मुझे याद नहीं है। लेकिन सोचा जाए तो यार मुझे यू नो आई फील चीटेड एवरी टाइम आई ओपन ये चिप्स का पैकेट, यू नो, तो मुझे लगता है कि जितना वो दिखाते उतना कुछ होता नहीं है, तो एवरी टाइम आई ओपन इट आई फील चीटेड। फर्स्ट गुड और बैड रूमर यू हर्ड अबाउट योरसेल्फ? रूमर्स आर व्हाट रूमर्स डू यार, मैं इतना सुनता हूँ और याद नहीं रहता मुझे, गुड और बैड मुझे सच में याद नहीं है अभी तक क्या है, मैं कान से सुनता निकाल देता हूँ, इतना रूमर्स में इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करता। फैंस के लिए मैसेज यही है कि आई लव यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड रिमूविंग टाइम फ्रॉम योर लाइव्स, कि आप हमारा काम देखते हैं एंड अप्रिशिएट करते हैं और हमें बताते भी हैं, तो एंड आई विश यू ग्रेट हेल्थ टू यू एंड योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स, सो कीप स्ट्रॉन्ग, कीप हैप्पी, लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, सी यू सून, थैंक यू।